मॉर्निंग एवरीवन, इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 13 चैप्टर इन एक्सरसाइज सेक्शन ए के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप एमसीक्यू है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। द बाइसेक्टर्स डिवाइड एंड इक्वलेटरल ट्रायंगल इन ऑप्शन ए 1 रीजन, ऑप्शन बी 2 रीजन, ऑप्शन सी 3 रीजन, ऑप्शन डी 6 रीजन। तो देखिए, बाइसेक्टर्स डिवाइड एंड इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो 3 एंगल्स के अनुसार और 3 साइड्स के अनुसार, तो कितना हो जाएगा, 6 रीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6 रीजन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6 रीजन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज इट इफ इट इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट। तो देखिए, ऑप्शन ए एक्यूट, ऑप्शन बी ऑब्स्क्यूर, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी नॉट। तो देखिए, इक्वल टू इट सप्लीमेंट है ना, तो इसका मतलब राइट एंगल हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज इट इफ इट इज स्मॉलर देन इट्स सप्लीमेंट। तो ऑप्शन ए एक्यूट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी ऑब्स्क्यूट, ऑप्शन डी नॉट। तो देखिए, यहाँ पे स्मॉलर देन इट्स सप्लीमेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन रहेगा इट्स सप्लीमेंट तो वो ऑब्स्क्यूट हो जाएगा, और इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट रहेगा तो राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलर देन इट्स सप्लीमेंट है तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज इट इफ इट इज ग्रेटर देन इट्स सप्लीमेंट। ऑप्शन ए एक्यूट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी ऑब्स्क्यूट, ऑप्शन डी नॉट। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन इट्स सप्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्क्यूट एंगल हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। With the help of a compass, we can draw the angle of option A 40 degree, option B 55 degree, option C 65 degree, option D 90 degree। तो देखिए, 40 degree को हम लोग कंपास के द्वारा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 55 degree को भी कंपास के द्वारा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 65 degree को भी कंपास के द्वारा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 90 degree को कंपास के द्वारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग का 5 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए टाइप 2, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, एंगल विच कैन बी ड्रॉ बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास शुड बी मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, तो ट्रू हो जाएगा। देखिए, 15 डिग्री के मल्टीपल को हम लोग कंपास और रूलर के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग ए रूलर एंड कंपास, वी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एन एंगल has an interior as well as an exterior region, तो true हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, protractor is used to mark of equal length but does not measure them, also used to draw arc and circles, तो false हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। perpendicular lines are the lines that intersect एट एन एंगल 60 डिग्री, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसलिए फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, तो ट्रू हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, etc. आर सम स्पेशल एंगल्स विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट यूज ऑफ प्रोटेक्टर्स, तो ट्रू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री को हम लोग
बिना प्रोटेक्टर्स का यूज किए हम लोग इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं कंपास और स्केल के द्वारा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो बहुत ईजी है, वो आप लोग से बन जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।